अस्सलाम वालेकुम याली मदद, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी ये टाइम है दोपहर का और बच्चे स्कूल से आ गए हैं, तो मैंने सोचा मैं कुछ ठंडा सा बना के दे दूं। तो मैं अब यानी कि ये जब से गर्मियां शुरू हुई हैं तो फ़र्स्ट टाइम ऐसा कर रही हूँ। आगे भी सोचा हुआ है कि इनको दही की ना हो लस्सी वगैरह कुछ इस तरह का बना के दूँगी। तो मैंने इसमें डालने हैं ये तुक मलंगा, या पता नहीं तुक मलंग उसको क्या कहते हैं, तो ये काफ़ी ठंडा होता है। तो मैंने सोचा है कि ये मैं बच्चों को उसमें डाल के दूं और जामिश्री बना के दूं ताकि ये लोग सुकून करें, उसके बाद ही मैं इनको खाना दूं। मैंने आपसे कल के वीडियो में शेयर किया था कि मैं आलू के पराठे बना रही हूं, और आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी तरह पता है कि जो रात का खाना होता है वो हम अगले दिन सुबह बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो वो दोबारा ही रिपीट होता है, ठीक है ना। तो अब मैंने ये आलू की स्टफ कुछ आटा तो चलो ढूंढ के मैंने रखा हुआ था, बच्चा हुआ था तो आटा की फ्रिज में था, आटा निकाल दिया मैंने। बच्चे स्कूल से आगे रुपए थोड़ा सा जामेश्वरी दे दिया, काफ़ी टाइम तो हो गया जामेश्वरी पिए हुए, तो फिर अब उसको लगी है भूख। अब मैं जो है ना ये आलू की जो बॉयल आलू किए थे वो थोड़े से बचे हुए थे, तो मैं अंदर देखो कटलस बना देती हूँ, लेकिन हाँ जी कह रहे हैं कि हमें कटलस नहीं खाने, अब हमें दोबारा ही आलू के पराठे बना दें। तो मैं इसमें ना प्याज डाल के नहीं रखती हूँ, ना क्या होता है फ्रिज में आप प्याज जब डाल के रखो ना तो वो बड़ा पानी छोड़ देता है, फिर पराठे फट जाते होते हैं। तो इसीलिए ना मैं इसको जो वो अलग से रखती हूँ बॉयल करके। और मेरे इस टाइम घर का माहौल बहुत ज़्यादा मतलब कि ना सुकून वाला हुआ पड़ा है, बच्चे स्कूल से आए हैं तो मैंने लाइटें वगैरह सब कुछ बंद करके अंधेरा किया हुआ है, पर्दे वर्दे आगे लगा दिए हमें ताकि थोड़ा सा उनको थोड़ा सा सुकून, बाहर बहुत सख्त गर्मी है। मैं इनको लेने जाती हूँ, इतनी सब धूप पड़ती है, इतनी गर्मी लगती है ना कि एक चला भी नहीं जाता, ऐसे लगता है कि बंदा भी बस गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो मैं जल्दी से इनके लिए बना दूँ पराठे, इनको पराठे बना देती हूँ और उनको फिर दोबारा थोड़ी देर ये रेस्ट करेंगे आधा पौना घंटा, फिर ये नहाने के लिए जाएंगे, नहाने जाएंगे तो फिर उसके बाद इनको मैं दोबारा ट्यूशन छोड़ के आ जाऊँगी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पर, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे ख्याल से आपके सामने ना इसकी जो है ना ये आलू के पराठे की वो रेसिपी शेयर की हुई है कि मैं इसमें क्या क्या मसाले डालती होते हूँ। मैं इसकी जल्दी से स्टॉक तैयार कर रही हूँ, फिर मैं बनाती हूँ बस पराठे और बच्चों को देती हूँ। रात को जो मैंने रायता बनाया था चटनी वो भी रखी हुई है फ्रिज में, मैं रख देती हूँ, हम खाना ज़्यादा नहीं करते, मेरे बच्चे ना नखरे नहीं करते, अगले दिन दोबारा वही खा लेते होते, नहीं कहते कि हम क्यों खाएं। और बच्चों का पसंदीदा होता है पराठा तो बहुत ज़्यादा, अजान को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, अजान जो है ना वो आलू का पराठा हो गया, बिरयानी हो गई। अभी मुझे कमेंट नहीं आया हुआ था कि आप फ्राइडे को अजान को बिरयानी बना दें, तो दोबारा से अभी मेरा अजान तो खुश हो जाएगा, तो दोबारा से बिरयानी बना के दूँगी तो वो तो खुश हो जाएगा। तो चलिए जी मैं इस फ्राइडे को जरूर कोशिश करूँगी कि मैं उसको बिरयानी बना कर दूँ, तो मैं उसको दे दूँ आलू के पराठे। और चले आपको फिर मेरे साथ मेरे वीडियो में जुड़ेंगी। अजवाइन प्याज भी डालती होती हूँ आलू के पराठे में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो तो खुद तरह से मैं इसमें ठीक ठाक डाल देती हूँ, गर्मी हो तो फिर थोड़ा सा अपना हाथ कंट्रोल करके डालती हूँ। क्योंकि ना मैंने ऐसा सुना है कि जो ये होते हैं ना आलू के पराठे ये बाई बाजी होते हैं, तो अजवाइन जो होती है वो हमारी बाई बाजी को ख़त्म करती है, मतलब उससे ना कोई हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होता, वो ख़त्म कर देती है। मैं जल्दी से बस इसको करती हूँ, उसका ये स्टफ तैयार करती हूँ, फिर बना देती हूँ बच्चों को पराठे।
मैं कर रही हूँ नाश्ता के लिए, दोपहर का खाना के लिए मेरा जो पराठा बन चुका है, मैं एक इतना है, साथ ये है रायता मेरा। और जिस चीज़ में खाने की मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना, तो उनको मुझे अच्छी नहीं लगती। तो ठीक है, आप तो भी आए खा लें अगर आपने खाना है तो, ताकि मैं तो खा रही हूँ, क्योंकि मैंने रात को भी नहीं कुछ खाया। आ गया, मज़ा आया? बना तो देखे पाँच जो कि नहा लेना। हाँ ठीक है, गिरा दिया पानी सारा। दोनों बच्चे फ्रेश हो रहे हैं, अजान ये लेटा पड़ा है, अभी अजान भी नहाने जाएगा। और इतना सुकून आ रहा है इनको लेटे हुए यहाँ पे, जिसकी कोई हद नहीं है ना। शुरू इधर मुँह करो, सलाम करो सबको। नाटक देखो, स्कूल जाकर तो सो जाएगा कबूतर। स्कूल जाके, स्कूल जाके नहीं, स्कूल से आके पेट फूल लेना। हाँ नींद आ रही है, अब तो नहीं सोना, ट्यूशन का टाइम हो गया। हाँ अब ट्यूशन का टाइम हो गया ना, बता क्या बताऊँ। मारूंगी शेरू, मैं मारूंगी यार। मैम कम होमवर्क देती है आजकल, पहले ज्यादा देती थी। शायद दे दो। अच्छा बेल्ट भी सही नहीं पहनी हुई है। फ्रिज में तरबूज भी रखा हुआ है ना शेरू, इसको इसमें बंद करो। फिर इसके दूसरे वाले को बंद करो ऐसे। हाँ सही लग रहे हैं।
लड़ो नहीं, लड़ो नहीं। हाँ बोतल डालो ना पहले शुरू अंदर। इधर रखो फिलहाल, इधर रखो, वो दोनों अंदर से आ जाए फिर चलते हैं। मैं उठा तो रख नीचे। कहाँ की सुबाल पेंसिल? ये देख इसने ये ना बैग में से कचरा निकाल के यूं फेंका हुआ, देख अजान ने। ये और भी पड़ा हुआ इसके बैग में, ये देखो रखो, मैं फेंकती हूँ खुद ही, झाड़ू लगा दूंगी दोबारा से। एक दिल करा था खट्टा का खाने का, गला खराब करेगा फिर दिल करेगा मार खाने का, फिर खट्टा खाने का। चल।